स्वागत है आप सभी का एमटीवी न्यूज इंडिया की एक नई वीडियो में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। इन इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में इन दिनों मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम नरम गरम बना हुआ है। इसके साथ ही बता दें कि मौसम विभाग ने कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा मौसम विभाग आज उत्तराखंड में बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश बर्फबारी का अनुमान लगाया है। यहाँ भारी बारिश का अलर्ट जारी। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हिमपात हो सकती है। आज कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी होने के भी आसार हैं। इन इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। मौसम एजेंसी स्काईमेट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आज सिक्किम और असम में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान के पश्चिमी भागों में धूल भरी तेज पछुआ हवा चल सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में आज हल्की बारिश या हिमपात संभव है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम व अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। इसके बाद फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। उत्तर पश्चिम भारत के विभिन्न हिस्सों में चल रही तेज हवाओं का असर आज भी बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आज भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिस कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के आज रात पश्चिमी हिमालय के इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। इस विक्षोभ का असर बड़ा दिखेगा। इसके कारण 16 से 19 फरवरी तक कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग की ओर से असम और सिक्किम में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से लगाए गए पूर्वानुमान के मुताबिक 16 फरवरी तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और NCR एरिया और उत्तरी राजस्थान में तेज गति से हवाएं चलेंगी और दूसरी ओर पूर्वोत्तर के राज्यों में लोगों के लिए मुसीबत बनेंगी। पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।